हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन स्टमक। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो स्टमक होता है उसे एनाटॉमिकल लैंग्वेज में गैस्ट्रो बोलते हैं, और अगर स्टमक को अगर हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है, अगर इस स्टमक को हम रिमूव कर देते हैं बॉडी से तो उसे बोलेंगे गैस्ट्रेक्टोमी। जैसे कि जो वेट लॉस वाली सर्जरी होती है उसमें जो स्टमक है वो पूरा तो नहीं रिमूव करते हैं, उसका साइज छोटा कर देते हैं, उसे काट देते हैं, तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी। वो सर्जरी होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक, गैस्ट्रेक्टोमी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो कि स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली थ्री काइंड ऑफ सेल्स हैं। फर्स्ट है म्यूकस नेक सेल, जिसका दूसरा नाम गॉबलेट सेल्स है। सेकेंड है पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्सेंटिक सेल्स। थर्ड सेल्स जो होती हैं वो पेप्टिक सेल, या फिर उसे बोल सकते हैं चीप सेल, या फिर उसे बोल सकते हैं जाइमोजेनिक सेल्स। अब इन तीनों सेल्स के हम फंक्शन देखेंगे और उसके क्या रोल होते हैं वो देखेंगे। काइंड ऑफ सेल्स हैं म्यूकस नेक सेल्स या फिर गॉबलेट सेल्स। ये म्यूकस रिलीज करता है, और इसका फंक्शन म्यूकस का होता है टू प्रोटेक्ट स्टमक एपिथेलियम फ्रॉम HCL। यहाँ पे HCL से इसका प्रोडक्शन का काम होता है, सिर्फ इतना काम होता है प्रोडक्शन करना HCL से। और उसके बाद में जो सेल्स होते हैं वो पेराइटल सेल या फिर ऑक्सेंटिक सेल, इसका काम होता है HCL को रिलीज करना और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना। अब हम थोड़ा इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और आपको बताता हूँ मैं। HCL का काम होता है एक्टिवेट करना एक एंजाइम पेप्सिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, HCL का काम हो गया। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने का। अगर विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे डिजीज होती है जिसका नाम है परनेशियस एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से परनेशियस एनीमिया होता है। और ये जो विटामिन B12 है ये हेल्प करता है इराइथ्रोप्रोसिस, मतलब RBC प्रोडक्शन में। इराइथ्रोप्रोसिस मतलब अ प्रोसेस बाय विच RBC आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये इसका ये फंक्शन है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी नीट 2018 में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हेल्प इन इनडायरेक्टली हेल्प इन इराइथ्रोप्रोसिस। इनडायरेक्टली कौन से सेल हैं जो इराइथ्रोप्रोसिस में हेल्प करते हैं, मतलब RBC प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो यही सारे ऑप्शन दिए थे, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था पेराइटल सेल्स। ये इनडायरेक्टली, अगर हम पूरा यहाँ पे एक बार फिर से प्रोसेस दिखाता हूँ, ये क्योंकि ये पेराइटल सेल है इंट्रेंसिक फैक्टर रिलीज करता है। इंट्रेंसिक फैक्टर डायरेक्टली तो हेल्प कर नहीं रहा इराइथ्रोप्रोसिस में, यहाँ पे इसका कनेक्शन इराइथ्रोप्रोसिस से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये इंट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विटामिन B12 जो है वो इराइथ्रोप्रोसिस के प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। तो ये इनडायरेक्टली पेराइटल सेल्स जो होते हैं वो इराइथ्रोप्रोसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे थर्ड और लास्ट काइंड ऑफ जो सेल्स हैं वो ये हैं पेप्टिक सेल्स, चीप सेल, या फिर बोल सकते हैं जाइमोजेनिक सेल्स। इनका काम है दो एंजाइम्स को रिलीज करना। फर्स्ट एंजाइम है पेप्सिनोजन, जिसका काम होता है प्रोटीन के डाइजेशन में, पेप्सिनोजन का काम है प्रोटीन के डाइजेशन में। और सेकेंड एंजाइम है काइमोसिन, या फिर उसे बोलते हैं उसका दूसरा नाम है रेनिन। और रेनिन एंजाइम का फंक्शन है कोगुलेशन ऑफ मिल्क इन स्टमक। ये सिर्फ ह्यूमन इन्फेंट्स में होता है कुछ क्वांटिटी में, और होता है कैल्ब्स ऑफ रूमिनेंट मैमल्स, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके कैल्ब्स में ही होता है, सब में नहीं होता है। और इसका काम है, जो मिल्क में एक प्रोटीन होती है कैसीन, इसका काम है कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट करना, जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए और डाइजेस्ट हो जाए। तो कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में ये कन्वर्ट कर देता है रेनिन। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन स्टमक। दोज आर म्यूकस नेक सेल्स, पेराइटल सेल्स, पेप्टिक सेल्स एंड देयर फंक्शंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।